हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटो कैड में हम लोग किसी भी टेक्स्ट को रोटेट कैसे करते हैं, वर्ड्स को रोटेट कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए हमारे पास ये वर्ड है mahagurus.com। तो इसे रोटेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेस टूल्स में क्लिक करना है, और फिर आपने इस टेक्स्ट ग्रुप में मॉडिफाई टेक्स्ट पर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर मिडिल वाला रोटेट ऑप्शन को क्लिक करना है और कमांड एक्टिव हो जाएगा। और अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, और फिर रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना है साइड में, और एंगल आप चाहे तो मैन्युअली एंगल एंटर कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्थो और पोलर की हेल्प से आप फ्रीली इसे मूव कर सकते हैं। मैं एंगल सेलेक्ट करूँगा 100 डिग्री और एंटर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा रोटेट हो चुका है। इसी तरीके से आप रोटेट कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं। बस प्रेस करिए RO, एंटर, सेलेक्ट करिए और एंटर, पॉइंट सेलेक्ट करिए, और आप इसे चाहे तो सेम तरीके से या मैन्युअली या फ्री हैंड मूव कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप ऑटोकैड में किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को रोटेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।